अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। आज दोबारा मैं सूक अल मारफा में म्यूज़ियम हब की आज ग्रैंड ओपनिंग थी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आप लोगों को आज दिखाते हैं किस तरह ओपनिंग हुई, क्या क्या हुआ, क्या क्या था, सब की चीज़ें दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो में रहिए। अभी देखें अरेबिक डांस, अभी आ गया यहाँ पर अरेबिक डांस, आप लोगों को अरेबिक डांस थोड़ा सा दिखाता हूँ। उसके बाद आपको रिबन कटिंग के दिखाता हूँ। शेख अब्दुल बासित जिनका ये ओनर हैं म्यूज़ियम हब के, उनको जब वो कटिंग करेंगे तब वो भी दिखाता हूँ आपको। अभी ये अरेबिक डांस चल रहा है, किस तरह अरेबिक डांस होता है ये चेक करें। म्यूज़िक था वो म्यूज़िक मैंने बंद किया क्योंकि कापी राइट लगता है, आप लोगों को पता है। इधर मैं अब अपनी तरफ से कोई म्यूज़िक डालूँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइज़, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो नए बंदे हैं, नए लोग हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता लगे। थैंक यू, बाकी बने रहिए मेरे साथ, आपको मज़ा आने वाला है। पब्लिक अंदर है, अभी रिबन आ गया है, अभी तक रिबन कटी नहीं है अभी। तो ये थोड़े से इनके इम्पोर्टेंट गेस्ट अंदर फिरते हैं, वो थोड़ा विज़िट कर रहे हैं, और मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं अगर अंदर चला गया तो फिर मुझे बाहर आने, रिबन कट गई तो फिर फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। मैं अभी इसलिए वेटिंग में खड़ा हूँ ताकि जब रिबन कटेगी तब की वीडियो लेकर दोबारा मैं अंदर चलाऊँगा। ये देखें, वेलकम टू म्यूज़ियम हब सूक अल मारफा देरा आयरलैंड, और ये इसकी इंट्रेस है। और अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूं, अभी अंदर जाऊंगा इंशाल्लाह ये रिबन कटने के बाद। अभी ये यहाँ पे सब आ रहे हैं, ये शेख आ रहे हैं सब, ये शेख अब्दुल बासित साहब हैं, शेख सुल्तान साहब हैं। बस अभी रिबन कटने का हिसाब शुरू है, अभी कैंची मांग रहे हैं, सीज़र। अभी जैसे ही सीज़र आती है वैसे ही रिबन कटेगा। रिबन कटने के बाद अभी फिर आप लोगों से इंशाल्लाह अंदर से भी आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, अंदर से भी माहौल दिखाता हूँ, अंदर क्या हिसाब है, क्या क्या चीज़ इन्होंने रखी हुई है। वैसे तो मैंने एक वीडियो छोटी सी डेमो बना के डाली हुई है ऑलरेडी, आप लोग विज़िट करें तो आप लोगों को नज़र आएगी। लेकिन अभी ये जो बना रहा हूँ ये तो सिर्फ इसकी ग्रैंड ओपनिंग की बना रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह मैं अंदर से वन टू ऑल एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगा, मुश्किल नहीं है। अभी ये कटिंग हो रही है, बस इधर आ गई है और अभी कटने लगी है रिबन। ये शेख अब्दुल बासित साहब हैं, ये सामने जो दूसरे अभी रिबन कट गई है, बस अब हम लोग अब अंदर जाएंगे और आपको अंदर से दिखाता हूँ।
अंदर से क्या चीज़ है क्या नहीं। अभी सब लोग शेख अब्दुल बासित साहब के लिए जो जो सामान मतलब फ्लावर वगैरह बेस्ट विशेस के लिए लाए हैं, सब ने मबरूक कह दिया, मतलब मुबारकबाद दे दी, हाथ वगैरह मिला दिया। और ये इंटरेस्ट से अभी हम लोग अंदर जाएंगे और आप लोगों को मैं अंदर से व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से तो अभी ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ सिर्फ बेस्ट विशेस के लिए, जो जो इनके करीबी आए हैं इनको दे रहे हैं फ्लावर्स वगैरह। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के आप लोगों को थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ कौन कौन से गेस्ट इनके अंदर आ रहे हैं। मैं अंदर जाके और अभी अंदर से वीडियो बनाना शुरू करता हूँ। तो मैं आ गया हूँ अंदर, अभी यहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पब्लिक आ रही है जिन जिन को इनविटेशन दिया गया था, और जो जो बाहर से वैसे घूमने आए हैं वो। अच्छा ये देखें, यहाँ पे ये थोड़ी सी इनकी मेडल वगैरह पड़े हैं और ये इनके इनामात वगैरह हैं, और यहाँ पे पिक्चर्स हैं, सीनरी हैं हाथ से जो बनी हुई हैं ये शेख। और ये सामने ऊपर गन खड़ी है, पुरानी राइफल, और सामने ये गन की जो होते हैं जिनको पट्टा बोलते हैं या इनको बेल्ट बोलने या हर लैंग्वेज में अपना अपना बोलते हैं, जिसमें कारतूस रखते हैं, गोलियां रखते हैं उनके लिए। और ये पुराने हैं, मतलब अभी के नहीं, अभी ये पुरानी नंबर प्लेट है, पुरानी तकरीबन 90-80 पीछे जाए ना, तो 1990-80 की बात कर रहा हूँ, तब की हैं ये। वो पुरानी 5 नंबरों वाली नंबर प्लेट हैं, अब भी 5 हैं लेकिन ये पुरानी हैं थोड़ी। ये देखें अभी आपको वो नंबर प्लेट है, अभी आज तक कल ये नंबर प्लेटें मिलती नहीं, अभी डिजिटल सारा ज़माना हो गया तो अभी नंबर प्लेटें ही हो रहे हैं। तो ये देखें इधर थोड़ा सा ये बखूर वगैरह जलाने वाला, ये हाथ से बनी हुई दोबारा। अच्छा तो ये सामने मजालिस शेख जायद सामने लिखा हुआ भी है, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे अभी जो जो इनके VIP गेस्ट वगैरह हैं जो शेख अब्दुल बासित साहब के साथ इधर बैठेंगे, जिनका ये म्यूज़ियम हब है शेख अब्दुल बासित साहब। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और दिखाता हूँ, ये देखें अभी पब्लिक अंदर आ रही है लेकिन मैं पहले ऑलरेडी अंदर आ चुका हूँ। क्यों? मैंने वीडियो बनानी थी, और दूसरा मेरे पास इजाज़त थी, और तीसरा बस जो जिन भाई ने मुझे दावत दी हुई थी, बुलाया हुआ था, उनकी मेहरबानी से मैं आगे आगे फिरता हूँ और बाकी पब्लिक उधर है। मैं ख़ुद साइड पे होके बना रहा था ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। ये इनके अबाया, कंदूरा, कंदूरे के ऊपर पहनने वाला ये इसका रुमाल वगैरह। अच्छा जी, ये पुराना इनके, ये कदीम, ये पुराना। वो अभी इनसे मैं पूछता हूँ शेख साहब से जो फिरते हैं, तो ये बताएंगे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे अगर इन्होंने बताया तो बाकी ये सीनरी वगैरह देख लें। मशहूर, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। अल्लाह हाफिज़।